मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी कि थायराइड की बीमारी को नियंत्रण में कैसे करें। आयुर्वेद में थायराइड से संबंधित रोग को अवटु ग्रंथि विकार कहा गया है। यह अनुचित आहार विहार एवं तनावपूर्ण जीवन शैली की वजह से होता है। इसमें पित्त और कफ का असंतुलन हो जाता है। थायराइड के दो प्रकार होते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। तो चलिए जानते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार थायराइड को कैसे कम कर सकते हैं। 2 चम्मच तुलसी के रस में आधा चम्मच एलोवेरा जूस मिलाकर सेवन करें। इसमें कफ वात दोष को कम करने के गुण होते हैं। रोज अपने खाने में हरी धनिया की पत्तियों का इस्तेमाल ज़रूर करें, या फिर आप धनिया की चटनी पीस कर उसका सेवन भी कर सकते हैं। इसमें आयरन पर्याप्त मात्रा में होता है और खून बढ़ाने के गुण भी उपलब्ध होते हैं। हर रोज दूध में हल्दी को पका कर पीने से भी इस रोग का उपचार होता है। हल्दी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाती है। इसमें मौजूद लाइपोपॉलीसाइक्रेड पदार्थ यह काम करता है। नियमित रूप से अपने भोजन में लाल मिर्च के बजाय काली मिर्च का उपयोग करने से भी आपको प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इस रोग को काबू में पाने के लिए रोज़ 1 घंटा व्यायाम तो ज़रूर करें। इससे आपको ताजगी भी महसूस होगी और इस रोग में भी आपको फ़ायदा मिलेगा। आपको इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि आप ठंडी चीज़ जैसे कि आइसक्रीम, बर्फ़ का पानी या और कोई ठंडी चीज़ का सेवन कम से कम करें और उसकी जगह कुछ गर्म ही खाएं पिएं। आपको अपने खाने में घी तेल का उपयोग भी कम करना होगा और तली भुनी चीज़ें जैसे कि पूरी, भटूरे, पकौड़े, समोसे या अन्य कोई सामान कम ही खाएं। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल संतुलित रहेगा। नट्स जैसे कि बादाम, काजू, सूरजमुखी के बीजों का अधिक सेवन करें। इनमें कॉपर की पर्याप्त मात्रा होती है जो कि थायराइड में फ़ायदेमंद होती है। आशा करती हूँ कि आपको ये आयुर्वेद के नुस्खे पसंद आए होंगे। सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का निशान भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।